व्हाट्स अप गाइस, आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हेल्थी फूड के बारे में। तो हेल्थी फूड से आप लोग क्या समझते हैं, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हेल्थी आखिर चीज़ क्या है। ये जो शब्द है हेल्थी फूड, ये आपके लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थी फूड्स के बारे में। तो हेल्थी फूड से आप लोगों का क्या मतलब है? मैं आप लोगों का नहीं बोलूँगा, मैं एक जनरल हेल्थी फूड से लोग क्या समझते हैं, क्योंकि मेरी भी कई कॉन्वर्सेशन हुई है लोगों के साथ जिसमें कि लोग कहते हैं कि ब्रो आई डोंट टेक शुगर, आई टेक जैगरी बिकॉज इट्स हेल्थी। या ब्रो, एंड आई एम लाइक ओके, आई एम वीगन, आई एम हेल्थी, आई एम बेटर देन यू। तो ये जो एक आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि ये शब्द जो है हेल्थी, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाए अगर हम अपनी डाइट के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में हम इस शब्द को अगर यूज़ करें तो वो किस तरह से यूज़ किया जाए। और आजकल की जो ये ट्रेंड्स है जो कि बी हेल्थी, गो वीगन और कट शुगर एंड यूज जैगरी एंड ऑल दैट, तो हाँ, तो उसके बारे में आज डिस्कशन की जाएगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो आजकल की मिस इन्फॉर्मेशन है, जो ये टर्म है हेल्थी, आखिर ये हेल्थी है क्या। तो जैसे कि हमने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी एक चीज़ अपने आप में ही ख़राब नहीं होती है, उसका डिपेंड करेगा वो आप किस तरह से आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, या जो अपनी डाइट है उसमें भी आप किस तरह से उसे इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे भी अभी आपने मैंने बताया था कि आई डोंट यूज़ शुगर, आई यूज़ जैगरी बिकॉज़ इट्स हेल्थी, तो वो भी आपका डिपेंड करेगा। अगर आप थोड़े से शुगर की जगह जैगरी यूज़ कर दोगे, पर वो जैगरी आप एक्सेस में यूज़ कर दोगे, तो वो भी एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्थी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फार फ्रॉम हेल्थी। हेल्थी सुन के पहले ही आप लोगों के दिमाग में एक प्री प्रिस्क्राइब्ड नोशन है हेल्थ का, कि अगर मैं ये चीज़ खाऊंगा तो इससे मुझे सब जो भी बेनिफिट्स है वो है, वो सब जो भी मिलेंगे वो मुझे हेल्थी बनाएंगे, एक लेवल पे हेल्थी ले जाएंगे। तो मैंने कई कॉन्वर्सेशन में ऐसे भी हुई है लोगों के साथ, तो वो कहते हैं कि आई ईट हेल्थी फूड, मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ, मैं बाहर का खाना कुछ नहीं खाता हूँ, तो आई एम गोइंग टू बी हेल्थी बिकॉज ऑफ दैट। पर वो इस चीज़ को नहीं सोचते कि एक ऐसा फूड नहीं है जो कि आपको एकदम हेल्थी बना लेगा। हेल्थी है आपकी चॉइसेस, आप किस हिसाब से अपना जो भी आपका फूड है या जो भी आपकी क्वांटिटी है फूड की, उसको किस तरह से अपनी डाइट में रोज़ इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो वो आपका एट द एंड ऑफ द डे जिस हिसाब से आप अपनी डाइट को स्ट्रक्चर करोगे, ताकि जैसे कि हम दो दिन पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे मेन आपके तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, तो ये जो तीन ही है, इन तीनों को ही आपने इस तरह से अपनी डाइट में स्ट्रक्चर करना है कि जिससे कि आपको जो पूरा न्यूट्रिशन है, जो भी आपकी पूरी डे की रिक्वायरमेंट है, उसमें ही इन तीनों चीज़ों को इस तरह से अपनी डाइट में स्ट्रक्चर किया जाए कि वो किसी में भी आप डेफिशिएंट ना हो। तो बस हेल्थी ये चीज़ है कि आप किस तरह से अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को स्ट्रक्चर करते हो। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि हेल्थी कोई एक अलग से टर्म नहीं है, हेल्थी आपकी डेली की चॉइसेस पे डिपेंड करेगा, किस हिसाब से आप किस किस खाने को किस किस तरह से अपनी डाइट में यूटिलाइज कर रहे हो। लोग ऑब्सेस्ड हैं कि इस वर्ड से कि हेल्थी, हेल्थी फूड, हेल्थी ये, हेल्थी वो। तो कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि लोग कहते हैं कि जो आजकल की डाइट्स है जो भी है तो वो बिल्कुल ही ख़राब है, जो हमारे पुराने जो भी लोग होते थे
उनकी डाइट में जो जो भी है इतना न्यूट्रिशन होता था कि जो वो लोग आज भी मतलब एट द एज ऑफ मे बी 80, 90 और 100 वो लोग आज भी क्लियर कर रहे हैं। तो हाँ, डाइट में फर्क तो है, पर जो आज से 100 साल पहले जो चीज़ जो न्यूट्रिशन जो चावल में था वो आई डोंट थिंक कि उतना बदला होगा आज तक। जो आज से 100 साल पहले जो न्यूट्रिशन चावल में था वही न्यूट्रिशन मेरे ख्याल आज भी होगा। जो आलू में था वही आलू आज भी होगा। जो चिकन में था या जो भी है जिस भी हिसाब से वो नेचुरल जो भी डाइट है तो वो आज भी वैसे ही है, तो उसमें भी न्यूट्रिशन उसी तरह से डिवाइडेड होगा। हाँ, ये है कि आजकल प्रोसेस्ड फूड वगैरह हमारी डाइट में आजकल हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा हमारी डाइट के लेवल में थोड़ी कटौती आई है। पर जो नेचुरल फूड्स है आपके उनमें तो सेम ही न्यूट्रिशन रहेगा ना, कि वो ऐसा तो नहीं होगा कि टाइम के साथ साथ वो चेंज हो जाए या किसी कोई जगह आज यहाँ से आलू लिया आपने तो कहीं दूसरी जगह से आलू ले लिया तो उन दो में अलग अलग जो दो न्यूट्रिशन अलग अलग होंगे, तो ऐसा तो है नहीं। वो सब आपकी चॉइसेस पे और आप किस हिसाब से कितना कितना किस किस जगह से अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उस हिसाब से होगा। और जो जो ये भी आर्ग्यूमेंट करते हैं लोग कि जो पुराने लोग थे वो उनकी डाइट इतनी अच्छी थी कि जो आज भी इतने इतने सालों तक मतलब दे आर फंक्शनिंग क्वाइट गुड, तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो पुराने आज से 100 साल पहले या जो जितने भी आज से 50 साल पहले जो भी सर्विसेज है जो भी आजकल की जो भी हॉस्पिटल्स आई है वो उस टाइम में ये उतनी हेल्थ सर्विसेज नहीं होती थी। तो जो जो मैं कहूँगा जो जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो भी लोग आज सर्वाइव कर रहे हैं वो जेनेटिकली ही गिफ्टेड हैं वो लोग, क्योंकि जो भी पहले ही जेनेटिकली वीक थे वो लोग पहले ही मतलब यू नो आजकल के बराबर साइंस और टेक्नोलॉजी के लेवल था नहीं उस टाइम, तो वो लोग पहले ही जो भी वीक जेनेटिक्स वाले थे वो पहले ही डाई आउट हो गए। जो और जो 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 भी स्ट्रांग थे वो लोग रिगार्डलेस ऑफ थोड़ा तो है कि उन न्यूट्रिशन से भी फर्क पड़ेगा, पर रिगार्डलेस वो लोग जो थे जेनेटिकल एलीट्स थे वो पहले ही प्रीडिस्पोजिशन थी उनकी जेनेटिक्स के हिसाब से कि वो इतना लंबा जिए। तो हम लोग हमेशा एक छोटे से पिक्सल से देखना पसंद करते हैं। ये सब एक बहुत ही बड़ी पिक्चर है, तो इसे हमें उस हिसाब से ही देखना पड़ेगा। और हाँ, बाकी तो सब ऊपर वाले के ऊपर है। इस रैंट के साथ ये वीडियो बंद करते हैं, तो आपसे फिर मुलाकात होगी शायद कल, मे बी अगर मेरे दिमाग में कोई और वीडियो के ख्याल आए। तब तक के लिए ऑलराइटी।